हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप सभी सही होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सैमसंग का M31S, जो कि अभी अभी हमें मिला है फ्लिपकार्ट से। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या खास है इस फ़ोन में, इसके फीचर्स कैसे हैं और इसका डिज़ाइन कैसा दिया गया है। होप सभी को पसंद आएगी ये वीडियो, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सामने से हमें बॉक्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जहां M31S लिखा गया है और बैक साइड में यहां पर हम देखें तो सैमसंग गैलेक्सी M31S लिखा गया है और कुछ उसके फीचर्स नीचे मेक फॉर इंडिया का टैग लगा के दिया गया है दोस्तों। तो बॉक्स कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। अब हम इसकी सील ब्रेक कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर अंदर हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सील हमने कट कर ली है, बॉक्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर फ़ोन नहीं, एक केस है जो कि दूसरे वाले बॉक्स पे है हमारे, और फ़ोन उसके नीचे है। तो फ़ोन को निकाल लेते हैं बाहर, जो कि पन्नी यहाँ पर रैप करा गया है। इसे बाहर निकाल के देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लुक दिया गया है इसका। तो उसे बैक साइड से खोलते हैं जी। हाँ, तो ये हमने खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये देखने को मिलता है। इसको बूट भी लगा देते हैं लगे हाथ। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31S लिखा गया है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब तक ये बूट होता है तब तक हम और चीज़ देख लेते हैं बॉक्स में। तो यहाँ पर एक चार्जर और एक डाटा केबल दी गई है और उसके अलावा यहाँ पर कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है बॉक्स में। और केबल अगर हम देखें तो सी टाइप यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आजकल नॉर्मल हो चुका है सारे ही फ़ोनों में। और हेडफोन अब जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों सैमसंग में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो सुपर फास्ट चार्जिंग यहाँ पर लिखा गया है चार्जर में और पीछे सैमसंग की ब्रांडिंग भी दी गई है उसमें। तो 24 वाट का यहाँ पर फास्ट चार्जर दिया गया है। तो जो बॉक्स में हमें केस मिलता है उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। एक सिम इजेक्टर पिन है और अंदर से देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें और देखने को मिलता है। तो एक वारंटी कार्ड यहाँ पर निकला है अंदर से और यहाँ पर यूज़र मैनुअल मिली है। तो सिर्फ यही दो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इस फ़ोन में हमें 4G प्लस 4G डबल 4G देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड 10.0 दिया गया है और वो अपग्रेडेबल होगा, वो कंपनी का कहना है। और इसके आगे अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो एक्सिनोस का 9611 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। तो ये सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है, जैसा कि आप सबको पता ही है। और अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी दी गई है और 25 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है सी टाइप, जो कि हमें बॉक्स में ही देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो फ़ोन को फटाफट से यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं इसका इंटरफेरेंस कैसा है। तो फ़ोन हमारा सेटअप हो चुका है और देख सकते हैं आप इसका इंटरफेरेंस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो नॉर्मली सैमसंग में कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिलता है आपको। और इसमें अगर हम ऐप की बात करें तो यहाँ पर चाइनीज़ ऐप कोई भी देखने को मिलती नहीं है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा देखने को, काफ़ी स्मूथ टच है इस फ़ोन का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस फ़ोन की स्क्रीन की अगर हम बात करें तो इसमें 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि इन्फिनिटी वो डिस्प्ले बोला जाता है जिसको। अब पहले जो था पंच होल डिस्प्ले बोला जाता था, अभी इन्फिनिटी वो डिस्प्ले बोला जाता है। तो ये आपको स्क्रीन मिलती है। फ़ोन हमने मिरेज ब्लैक कर यहाँ पर कलर लिया था, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। काफ़ी शाइनी लुक यहाँ पर बैक में दिया गया है और यहाँ पर ऊपर की तरफ कैमरा सेटअप आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिंगरप्रिंट और यहाँ पर पावर ऑफ का बटन दोनों एक ही साथ दिए गए हैं, जैसा कि आजकल नॉर्मल फ़ोन में होता है। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो सिम ट्रे दी गई है। और नीचे की तरफ यहाँ पर हेडफोन जैक, चार्जर स्लॉट और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं।
नॉर्मली ऐसा ही डिज़ाइन है सैमसंग का, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक ही लोग है तो दिख नहीं पा रहा है, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। वहीं अगर इसके फ्रंट सेल्फी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो इसका कैमरा सेटअप आप मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं डिटेल से। तो इसके कैमरे से कुछ फोटोज मैंने ली हैं जिससे कि आपको पता लग सकता है कि इसका कैमरा कैसा काम करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस फोन से लिए गई कुछ तस्वीरें। तो यही था दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31S में, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखाई। होप आप सभी को पसंद आई होगी ये वीडियो और आप जान गए होंगे कि ये फ़ोन आपके लिए सही है या नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी और वीडियो के साथ ताकि आप लोगों को अलग अलग जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का बटन